Yes. बहुत अच्छा लग रहा मुझे, नीलम जी ने इनवाइट किया, हमारे साथ ज्योति जी भी हैं, हम लोग सुबह भी आए थे, बहुत अच्छा रहा। और ये नीलम जी जो हैं बहुत मेहनत करते हैं, बहुत शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, और बहुत दूर दराज से लोग, देश विदेश से जितने भी हमारे यहाँ रैंप पे मॉडल्स जो आए हैं उन सबको अवार्ड दिया। हर फील्ड से लोग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेस मैन है, कोई एक्ट्रेस हैं, कोई एक्टर हैं, तो ऐसे लोगों को अवार्ड से नवाजना इस ग्रेट ऑनर। और मैं बहुत खुश हूँ, चूँकि हर साल की तरह इस साल भी मैं यहाँ पे हूँ, और मुझे लगता है कि हर साल आता रहूँगा जब तक नीलम जी। थैंक यू सो मच। नीलम जी, एक कड़ी और आपने जोड़ी इस बार में ज्योति के बारे में, क्या कहना चाहोगे? यस, ज्योति जी तो हमारे बहुत फैमिली फ्रेंड एंड शी इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आर पेजेंट। तो हर सीजन ये हमारे साथ
साथ रहते हैं क्योंकि वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है. और ट्रू वुमेन जैसे बोले ना, ब्यूटी, ब्रेन्स, स्किल्स, हम्बल नेचर, गोल्डन हार्ट, ये सारी क्वालिटी ज्योति जी में है. नहीं, मुझे इसलिए ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर है. नहीं, आप अच्छे लोग होते हैं तो आप उनके साथ अच्छा बिहेव करते हैं. जहाँ लोगों को एटीट्यूड दिखाते हैं तो हम फिर उनके साथ तरीके से ही बात करते हैं. और ये सिखाती है. ये इवेंट है, ये डिफरेंट इवेंट है. अब मुझे याद है कि जब हम लोग नागपुर फ्लाइट से आ रहे थे तो ज्योति जी ने मुझसे कहा कह लीजिए आपको ये प्रोग्राम में आना है. तो ये बहुत यादगार चीज़ है. तो ऑफकोर्स बहुत प्राउड मोमेंट होता ही है, स्पेशली जब आप किसी के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट होता है कि आप इतने सारे ऑडियंस, इतने सारे लोगों में से आप एक है जिन्हें ये ब्रांड एम्बेसडर के टाइटल से जो है ना नवाजा जाता है. तो ये बहुत खूबसूरत बात है कि मैं यहाँ बैठ कर लोगों को जज करना, मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होता है किसी को जज करना, बिकॉज हर एक पर्सन का डिफरेंट टैलेंट होता है. और मैं नहीं मानती कि मैं अभी उतनी टैलेंटेड हूँ कि किसी और को जज कर पाऊँ, क्योंकि हर दिन हम खुद को तराशते हैं. और नीलम को देख करके तो मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है कि बाय प्रोफेशन वो एक डेंटिस्ट हैं, उसके बाद भी एक सोशल कॉज के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमेशा खड़ी होती हैं. और इतना बिजी लाइफ में भी एक टाइम निकाल करके लोगों के बारे में सोचती हैं. तो और उससे ज़्यादा उनके हस्बैंड को क्रेडिट जाते हैं. अगर नीलम जी के हस्बैंड की तरह हर किसी को जीवन साथी मिले तो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में हमें समझाने की ज़रूरत ही ना पड़े. जज करना तो रियली बहुत मुश्किल है. और जब भी मुझे जज के लिए बुलाया जाता है मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि मैं अच्छा जज नहीं हूँ, जज नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मैं बहुत हम्बल हूँ लोगों के लिए. हर कलाकार के लिए मेरे दिल में उनकी रिस्पेक्ट होती है, जैसा कि ज्योति ने बताया. तो ये फैक्ट है. और इन दोनों के बीच में इतनी खूबसूरत दो दो महिलाएं हमारे सामने हैं और इतनी सारी मॉडल्स के सामने जज करना मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल काम है. हाँ, ये है कि मैं क्राउन पहना सकता हूँ, अवार्ड दे सकता हूँ. एंड मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी कल्पेश पराड़े, जस्ट देयर, कल्पेश इज ऑन द वे, जिनकी तारीफ मैंने अभी की है. मैं चाहूँगी कि हमारी मीडिया भी जाने उन्हें. यस यस, बीच में ये सर, उसके अलावा कमल खान जी आए हैं. और द मेन सेलिब्रिटी जो आ रहे हैं अपने को मिलने और हम सबको और उत्साह देने, वो है आमिर अली मलिक. अलग से क्या होने वाला है इस बार? हर बार हम दो कंट्रीज, चार कंट्री, पांच कंट्री के लोग आते हैं. इस बार 10 कंट्री के लोग जुड़े हैं. यहाँ सुनोशनी करके हमारे जो कैटवॉक ट्रेनर है मलेशिया से आए हैं. आर के अरविंद जी आए हैं जो सेलिब्रिटी मलेशिया के इंडिपेंडेंट सिंगर है. उनके टिकटॉक पे और यूट्यूब पे अगर आप व्यूज़ देखोगे तो 8 मिलियन व्यूज़ से ज़्यादा उनके लाइक्स है. तो इतने बड़े सेलिब्रिटी आज हमारे प्लेटफॉर्म पे अवार्ड लेने आए हैं. तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि दूसरी कंट्रीज से भी लोग आए हैं. कैनेडा से जूरी आई है और सिंगापुर से जूरी आई है. डिज़ाइनर आए हैं अवार्ड्स लेने नेपाल से और बांग्लादेश और इंडिया, यानी कि बहुत सारे कंट्रीज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत सारे लोग आ रहे हैं फॉर वर्ल्ड ग्लोबल अचीवर अवार्ड्स एंड एज कंटेस्टेंट्स फॉर द ब्यूटी पेजेंट. एक फैशन शो भी रखा था आपने, इस टाइप का, उसमें जज कौन होंगे? फैशन शो का क्या होता है कि कितने फैशन शोज में हम बाहरी खूबसूरती को ज़्यादा देखते हैं, मायने देते हैं, लेकिन हम अंदरी जो खूबसूरती रहती है, द इनर ब्यूटी ऑफ अ वुमेन, उसको हम रिस्पेक्ट देते हुए ये शो करते हैं. तो ऑल साइज, शेप्स, कलर्स, एवरीबडी इज वेलकम फ्रॉम वेरियस कंट्रीज. आपके शो का लोगों को इंतजार रहता है, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? आज सुबह वही हुआ, अली खान जी ने भी इंटरव्यू में सीएन न्यूज के साथ यही बात की कि हमें नीलम जी के शो का इंतजार रहता है. तो ये आपने सही कहा, क्योंकि ये हम एक साल में एक बार करते हैं और अच्छी तरह से ब्रांड वे में करते हैं. स्पॉन्सर की बात करें, बिना स्पॉन्सर के पॉसिबल नहीं है. इस बार क्या क्या स्पॉन्सर है आपके? हमारे काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो यहाँ पे नाम लिखे हैं. तो यू कैन गो थ्रू दैट. यस, गिफ्ट हैम्पर का भी रखा है. यस, बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स भी है. और कुछ क्या कहना चाहोगे शो को लेकर? और क्या कहना बस शो के लिए, बस यही कहना.
मच आप लोग आए, द एंटायर मीडिया हु इज कम हियर टू कवर अस. और ये सिर्फ एक नेशनल लेवल का इवेंट नहीं है, इंटरनेशनल लेवल का इवेंट है, तो वी राइटली डू जस्टिफाई टू द नेम ग्लोबल क्वीन एंड वी हैव मेड इट वेरी रॉयल. अब आप आइए हमारे साथ जुड़िए शो में, देखिए किस तरह सब नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड और वगैरह करके अपने कंट्रीज के फ्लैग को लहरा दिया हमारे शो पे. थैंक यू सो मच, सी यू ऑल्सो. थैंक यू. आज एक ब्यूटी पैजेंट में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के ब्यूटी पैजेंट के बारे में? जब कॉज अच्छा होता है तो आना कभी कभार लाजमी हो जाता है. डॉक्टर नीलम से जब मेरी बात हुई, इट्स फॉर अ चैरिटेबल कॉज एंड शी इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन विद अ वेरी नाइस हस्बैंड एंड द फैमिली इज वेरी स्वीट एंड दे डूइंग समथिंग फॉर चैरिटी एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर. इस तरह के शो पे आना कितना अच्छा लगता है? किसी भी तरह के शो में आना अच्छा लगता है. चैरिटी जब इतने चैरिटी है, अच्छे चेहरे, अच्छे लोग हैं. आपके साथ में दो सेलिब्रिटी बैठे हैं, अली खान के बारे में क्या कहना चाहोगे? जो भी अली खान के बारे में मैं सारे अच्छे हैं ब्रो. मैं क्या बोलूँगा किसी के बारे में, सारे अच्छे लोग हैं इसलिए यहाँ पर हैं. मैडम नीलम जी के बारे में क्या कहेंगे आप, शो जो करा रहे हो कैंडिडेट के बारे में? मैंने उनसे कुछ दिन पहले बात की थी, मुझे बहुत जेन्यून लगी, बहुत अच्छी लगी एंड जो उनका सोच है मुझे अच्छा लगा. बस आ गया मैं. सर रनिंग प्रोजेक्ट तो कुछ नहीं है सर मेरे, मैं OTT करता हूँ आजकल. TV करना मैंने बंद कर दिया है. सो मैंने हॉटस्टार पे मेरा अभी लुटेरे रिलीज़ हुआ था कुछ महीने पहले एंड कुछ महीने बाद एक और शो जो होगा रिलीज़ होगा. काम की बात में करते हैं, फिलहाल इस इवेंट की बात करते हैं. बस कुछ नहीं, अच्छे कॉज के लिए आया है, अच्छे दिल लेकर आया है, बस इन्जॉय करेंगे, खूबसूरत चेहरे देखेंगे. तो वही खुद मेहनत करती है पूरा साल और वो फिर आखिर में रंग लाती है. ऑल द ग्रेट गोज़ टू हर. आप कैसे हेल्प करते हैं शो को लेकर, क्या संभालते हैं आप? मैं 3 दिन आता हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे, और जो भी बनता है वो करता हूँ. पेशे से आप भी डॉक्टर हैं? नहीं नहीं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ. और शो से जुड़ी हुई और क्या कहना चाहोगे आप? सॉरी, कितनी मेहनत का काम है ये हर साल? ये बहुत ही मेहनत का काम है क्योंकि इतने सारे कंट्री को साथ में लाना और उनकी पूरी जो नेशनल, हमारा जो नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड है वो इतना डिफरेंट होता है क्योंकि अलग अलग कंट्री से आते हैं, तो वो देखना और उसको फिर वो जो कंट्री के बारे में बोलते हैं वो बहुत ही अच्छा है. आपके द्रौपदी ने भी पहना हुआ है क्राउन, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो तो विदाउट क्राउन भी नहीं रहने वाले. आप पूछिए. हेलो एवरीवन, आई एम शिवांशी विलास देविकर एंड आई एम टू ग्लैड टू कम हियर. दिस इज अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर गर्ल्स टू हैव ड्रीम टू अचीव योर ड्रीम्स. दिस इज द एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर नीलम परादिया मैम for giving me this opportunity to come here and admire my beauty and my personality on the stage. Thank you so much. Thank you very much. Hello everyone, I'm Shivanjali Vilas Devikar and I'm too glad to come here. This is a perfect platform for girls to have dream to achieve your dreams. This is the and thank you so much Dr. Neelam Paradia ma'am for giving me this opportunity to come here and admire my beauty and my personality on the stage. Thank you so much. Thank you very much. Hello everyone, I am Shivanjali Vilas Devikar and I am too glad to come here. This is a perfect platform
for girls to have dream, to achieve your dreams. This is the and thank you so much, Dr. Neelam Paradia ma'am, for giving me this opportunity to come here and admire my beauty and my personality on the stage. Thank you so much. Hello everyone, I'm Shivansri Vilas Devikar and I'm too glad to come here. This is a perfect platform for girls to have dream, to achieve your dreams. This is the and thank you so much, Dr. Neelam Paradia ma'am, for giving me this opportunity to come here and admire my beauty and my personality on the stage. Thank you so much. Oh, you want me to tell something? Okay, chalo. Hello? Ek camera hai. Hello, I'm Dr. Veena. Hello, I'm Dr. Veena from Bangalore. I won Mrs. Royal Global Queen Platinum winner. I'm very happy today because I always wanted to explore something other than my profession, that is doctor. I was always interested in beauty and fitness, and I could do it. So I'm very happy. I'm thankful to Dr. Neelam Paradia and also the Miss and Mrs. Royal Global Queen platform. Thank you. Okay. I'm Dr. Deepika Yadav and I am the winner of Royal Global Queen, Mrs. Royal Global Queen. So I'm very happy and excited about this award, and I thanks Dr. Neelam Paradia for this special moment given and added to my life. And thank you so much. Thank you so much for this opportunity. Thank you. English. No, I want to say. Can you help me? Introduce yourself. Okay. Hi, my name is Telagavadi. I'm from Malaysia. I feel very happy to be part of this beautiful pageant and winning the crown for under the Mrs. category, being a fabulous winner. This is a very proud moment for me and also for my country. Thank you. क्या बताऊँ मेरे बारे में? हाँ बस कुछ नहीं, डॉक्टर नीलम ने इनवाइट किया, एक अच्छा इनिशिएटिव है और इट्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड आई वाज ग्लैड टू बी हियर. थैंक यू सो मच फॉर आमिर मालिक फॉर मेकिंग इट पॉसिबल. जब मैंने इनको कॉल किया कि 10 कंट्रीज से अलग अलग कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं, अवार्ड्स होने वाले हैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट के, तो सर ने मुझे यस बोला कि मैं आ रहा हूँ इन सब के साथ आपको और वुमेन एम्पावरमेंट के वो प्रोत्साहन देते हुए. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम दैट ही बिलीव्स दैट वुमेन नीड्स टू बी एम्पावर्ड. दो ही सेज आई डोंट बिलीव वुमेन नीड टू बी एम्पावर्ड, दे ऑलवेज एम्पावर्ड, वी नीड एम्पावरमेंट फ्रॉम देम बिकॉज़ आई थिंक दे आर अ स्ट्रॉन्गर बीइंग. True, very true, very yeah, true, very rightly said, very put up. My mom is a woman and I love her the most in the world, and I feel, I know and I've seen her doing what she's done, and I think great. Women are much more stronger than men, and I've just come to be a part of this, this charity, empowerment, whatever you call it, what you arranged, and I'm glad to be here. Thank you so much, and I wish that all men will think like him. Where they believe that you know, women need not be empowered because they're already empowered. True. Thank you so thank much, so Amir, for God. Being here and thank for you your valuable time. Yeah. Thank you so Take much. Yes. Okay, so I'm Mubarak Akbar. I'm from my beautiful country, Bangladesh. I came here to represent my country, and I always dreamt of this crown, and I had no idea that I'm actually gonna win it. But when I won it, I actually believed. I always believed that if I want, I can do it. Everyone should believe in themselves. So do I. And I believed in myself that I'm gonna win. So here I am. I won, and thank you so much. Thanks to all of you. Thank you, ma'am. Hello, I'm Mehji Bin Mona. I'm from Bangladesh. I'm so happy and excited. This is the award show. I'm a winner and really I'm so happy with here. And special thanks to Neelam
Paradise ma'am and my organization Shuman Hossain, okay? So I'm so excited and I thank you so much all, and I love India. India is very nice. So thank you so much all people, okay? Thank you so much. Hello, I'm Mehjabeen Mona. I'm from Bangladesh. I'm so happy and excited. This is the award show. I'm a winner and really, really, really I'm so happy with here. And special thanks to Neelam Paradise ma'am and my organization Shuman Hossain, okay? So I'm so excited and I thank you so much all, and I love India. India is very nice. So thank you so much all people, okay? Thank you so much. Okay. हेलो एवरीबॉडी, सलाम नमस्ते. मैं सबीहा शेख बहरीन से हूँ और आज मैं बहुत खुश हूँ कि आई हैव वन दिस क्राउन एंड दिस आल्सो आई एम अ फर्स्ट रनर अप एंड आई हैव वन दिस वन आल्सो फॉर स्पेशल सबटाइटल क्राउन. एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने बहुत मेहनत से जो है ये क्राउन्स जीते हैं, और मैं नीलम मैम की भी बहुत थैंकफुल हूँ नीलम मैम के लिए कि उन्होंने मेरी क्वालिटीज़ को परखा और मुझे इस लायक समझा कि मुझे आज ये क्राउंस मिले हैं. तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं सब लोगों को, और जो लोग भी हाउसवाइफ हैं सबको मैं बोलूँगी कि ये नहीं सोचे कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. हेलो एवरीबॉडी, सलाम नमस्ते. मैं सबीहा शेख बहरीन से हूँ और आज मैं बहुत खुश हूँ कि आई हैव वन दिस क्राउन एंड दिस आल्सो आई एम अ फर्स्ट रनर अप एंड आई हैव वन दिस वन आल्सो फॉर स्पेशल सबटाइटल क्राउन. एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने बहुत मेहनत से जो है ये क्राउन्स जीते हैं, और मैं नीलम मैम की भी बहुत थैंकफुल हूँ नीलम मैम के लिए कि उन्होंने मेरी क्वालिटीज़ को परखा और मुझे इस लायक समझा कि मुझे आज ये क्राउन्स मिले हैं. तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं सब लोगों को, और जो लोग भी हाउसवाइफ हैं सबको मैं बोलूँगी कि ये नहीं सोचे कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा, पिछले साल से भी अच्छा है. और मैं डॉक्टर नीलम को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा. देश विदेश से लोग आए और अपनी अपनी परफॉर्मेंस जो है उन्होंने बड़े अच्छे से किया, और हम कमाल आमिर अली हम सब लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, सबको अवार्ड दिया. सो ऐसे प्रोग्राम्स के लिए बड़ी मेहनत लगती है. डॉक्टर नीलम कल से लग जाएंगी अगले साल के इवेंट के लिए. सो ऑल द बेस्ट. जितने भी विनर्स हैं जिनको अवार्ड मिला उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा. डॉक्टर कल्पेश उन्होंने भी बहुत, उनके जो हस्बैंड हैं, ये सारी टीम है, ये पूरा टीम वर्क है. सो बहुत बहुत मुबारकबाद, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. मैं डॉक्टर नीलम को और सभी कंटेस्टेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि सभी अलग अलग कंट्री से, अलग अलग देश से और भारत से सभी जगह से लोग आए जुड़े, और सबने खूब अच्छे से परफॉर्मेंस की, अलग अलग ड्रेसेस पहने, और हम लोगों को भी देखने में बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा. इस तरह के इवेंट बहुत कम देखने को मिलते हैं माशाल्लाह. तो नीलम पराडिया को और उनके हस्बैंड कल्पेश को, अली भाई को और जितने भी कंटेस्टेंट हैं सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं. खूब नाम रोशन करो और अपने माँ बाप का खूब सम्मान करो. आप सबको खूब सारा प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद. हेलो, माय नेम इज अनुराधा विश्वनाथन एंड इट्स बीन अ रियली ग्रेट इवनिंग टुडे टू सी वंडरफुल पेजेंट विद ग्रेट कंटेस्टेंट्स एंड बी हैविंग द ऑनर ऑफ विनिंग एन अवार्ड इन दिस प्रेस्टीजियस प्लेटफॉर्म. And I'm really happy to have won yet another award in the fashion industry, an international award. And this platform has been fabulous that Neelam and Kalpesh have provided. So I'd like to give my very special thanks to them for this. Thank you. Hi everyone, I'm Shazmi Hussain from Singapore, and I have my two esteemed celebrities next to me to support Dr. Neelam Paradia. For Mrs. Royal Global, to support women, empower women, and to inspire them despite all odds. So my message for all women is to overcome all challenges no matter what, believe in themselves, and to embrace their flaws. Thank you very much. Thank you. All the best. Thank you. Thank you. Thank you.
चलो भैया जैसे आप बोलो। सो फॉर मी आई एम डूइंग PhD एंड इज फ्रॉम मैनेजिंग PhD दिस प्रेजेंट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। आई वॉन्ट टू से थैंक्स टू डॉक्टर विपिन कुलकर्णी माई गाइड हु टुक परमिशन फॉर द डायरेक्टर टू स्पेसिफिकली अलाउिंग टू टेक पार्टिसिपेटेड इन द पेजेंट अलाउिंग टू टेक सम ऑफ दिस वीडियोज फ्रॉम दैट। सो आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव सच अ वंडरफुल गाइड वंडरफुल टीचर एंड स्पेसिफिकली थैंक्स टू माई पेरेंट्स नीलम मैम and definitely not last or not least but my roommate she and I got very fantastic friends and they are really amazing. I'm really blessed to have such a positive people in my life. I'm living my dream. I feel like so I'm thank you. Yeah, hello, hi everyone, I'm Vinaya. I'm from Karnataka, Bangalore. So I've traveled around 1000 kilometers to be here and I am really happy I could make it out. And as she said, we are roommates and she's queen for me and I'm queen for her. Yes. We're extremely happy for here being here and we could do this. And I would like to thank Neelam ma'am for giving us this opportunity. And she was the one who believed us and she was the one to push us all the time. Now, no, you can do it. Come and show what you have got. So that is... It's all her efforts and we are just face of it is what I want to say. And I'm really thankful and thank to you guys as well for showing our face, because it's like we are popping out and it's only because of your efforts. Yeah, thank you. Exactly. Thank you so thank much. You so have a great much. Evening. Yeah. Bye-bye. Today I'm so happy, happiest day for me. I'm from Sri Lanka, I'm Kanchana Hetty Arachi. I want today to talent, best talent winner and crown winner. And also I would like to say the beauty is not only white, it is all the colors. So I proven it today. And also I would like to thank who organized this event and especially for Dr. Neelam Pararia and all the other contestants who helped me and we was together and this was an amazing event and thank you all. In our grand finale designer actually we are so happy to hear as a designer and see. माइक सॉन है ना सब बराबर है ना उनका अच्छी तरह से देना कम कम आप बीच में आ जाती हूँ ऑल द वे फ्रॉम नेपाल और ये आए हैं सूरत से तो उन्होंने बहुत मेहनत की है आज जो हम ब्यूटीफुल दिख रहे हैं उनकी बदौलत ही दिख रहे हैं सारे कंटेस्टेंट्स के जो लुक्स उन्होंने क्रिएट किए हैं तो पूजा जी है ज्वाला एंड वी हैव सुनैना प्रिंस बैंक या So thank you so much Pujaji and Sunaina for making this a grand thank you success. So much. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. क्या बताना है बताइए एक मिनट अभी उनका सोलो सोलो ले लो एक एक जिनका कंप्लीट कर देते हैं एक नीतू जी के साथ भी हम तीनों का लेते हैं फिर हमारा दोनों का अकेले का ले लेंगे या सो विल फिनिश दैट सो हियर इज अ वंडरफुल लेडी विद अस नीतू या यू गाइस आर रिकॉर्डिंग ऑलरेडी रेडी या ओके So you can see this pretty women. तो इनके पीछे का जो आज इतने सारे खूबसूरत चेहरे आप देख रहे हैं वो उनका सारा श्रेय इनको जाता है और इन लोगों ने मुझे बहुत खूबसूरत सा टाइटल दिया है मिस प्रिंसेस बिकॉज ऑफ हर ओनली थैंक यू सो मच यस प्रिटी फाइव बाय नीतू अरोरा हैज बीन ऑलवेज आवर सपोर्ट ये सीजन वन से हमारे साथ जुड़े हैं ये फोर्थ सीजन हम साथ में कर रहे हैं और आगे भी जुड़ेंगे वी आर वेरी थैंकफुल द एंटायर टीम उन्होंने अपने साथ कम से कम 12 से 13 लोगों को साथ ले आई है और सुबह 6 बजे दे हैव बीन ऑन देयर टोज रात को 12:30 बजे तक सब यहीं थे फिर भी 4 घंटे में सब वापस आ गए हैं इन द मॉर्निंग विद द एंटायर टीम एंड दे हैव बीन फैंटेबुलस एंड फैंटास्टिक जॉब उन्होंने हर लुक्स के लिए फ़ोटोशूट्स के लिए जैसे सारी लुक किया हमने फिर पार्टी शूट्स किए गाउन शूट्स किए फिर हमें सेमीफिनाले टैलेंट राउंड शूट्स किए नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड शूट्स किए सबके अलग अलग मेकअप इन्होंने किए हैं सो थैंक यू सो मच
हम लोग भी बिलीव करते हैं ये लोग. नीलम मैम इज़ अ वेरी गुड वूमेन और वो वुमेन एम्पायर के लिए इतना कुछ कर रही है, तो हम भी सपोर्ट करना चाहते हैं और बहुत अच्छा लगता है वुमेन एम्पायर को सपोर्ट करके. आज इन्होंने ये अवार्ड भी जीता है. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. थैंक यू. आए हैं अपने साथ यहाँ तो क्रमिक, वुड यू लाइक टू से समथिंग, हाउ डिड यू लाइक द शो? बहुत ही अच्छा लग रहा है बिकॉज मैम से जब मेरी बात हुई थी, मैम को मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा शो, फ्लो चार्ट के हिसाब से बहुत ही अच्छा शो है. और मिस और मिसिस को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है शो में आके. एंड दिस इज़ माई 41 शो फॉर एज अ सेलिब्रिटी जूरी एंड बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इतने सारे शो कर चुका हूँ मैं लास्ट 3 इयर्स. सो ये वाला शो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और लोगों को प्रेरणा, मिस और मिसिस को प्रेरणा भी मिल रही है मैम से और ज्योति मैम से और बहुत जितने भी सेलिब्रिटीज आए, तो थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. या शी कैन स्पीक ओनली इंग्लिश. तो साजमी हुसैन, कैन यू प्लीज टेल अस हाउ डिड यू लाइक आवर शो? So I really enjoyed the show. The show was fabulous. The contestants were full of charisma, confidence, and wonderful beauty. So I have to thank Dr. Neelam Paradia for this opportunity, for inviting me all the way from Singapore, and this is my second time here. So I have to thank Dr. Neelam Paradia for giving women this international platform to showcase all their talents, abilities, and to work on their self-confidence. Thank you so much, Dr. Yes. Neelam. She's been our esteemed international pageant jury. एंड उन्होंने हेल्प किया है हमें डिसाइड करने की कौन विनर्स है. तो जो विनर्स सिलेक्ट हुए हैं इनके जूरी पैनल से मार्क्स लेके जीते हैं. तो साजमी हुसैन, वी आर वेरी थैंकफुल फॉर यू टू मेकिंग इट टुडे एंड यू हैव फ्लू ऑल द वे फ्रॉम सिंगापुर. शी इज़ बीन ऑल्सो आर क्वीन ऑफ सिंगापुर, रॉयल बेबी क्वीन ऑफ सिंगापुर. सो वी वुड लाइक टू अगेन थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच एंड आई होप टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एवरी ईयर. यस डेफिनेटली. थैंक यू. नमस्ते. या शी कैन स्पीक ओनली इंग्लिश. So Sazmi Hussain, can you please tell us how did you like our show? So I really enjoyed the show. The show was fabulous. The contestants were full of charisma, confidence, and wonderful beauty. So I have to thank Dr. Neelam Paradia for this opportunity, for inviting me all the way from Singapore, and this is my second time here. So I have to thank Dr. Neelam Paradia for giving women this international platform to showcase all their talents, abilities, and to work on their self-confidence. Thank you so much, Dr. Neelam. She's been our esteemed international pageant jury, and उन्होंने help किया है हमें decide करने कि कौन winners है. तो जो विनर्स सिलेक्ट हुए हैं इनके जूरी पैनल से मार्क्स लेके जीते हैं. तो साजमी हुसैन, वी आर वेरी थैंकफुल फॉर यू टू मेकिंग इट टुडे एंड यू हैव फ्लू ऑल द वे फ्रॉम सिंगापुर. शी इज़ बीन ऑल्सो आर क्वीन ऑफ सिंगापुर, रॉयल बेबी क्वीन ऑफ सिंगापुर. सो वी वुड लाइक टू अगेन थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच एंड आई होप टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एवरी ईयर. यस डेफिनेटली. थैंक यू. नमस्ते. या शी कैन स्पीक ओनली इंग्लिश. तो साजमी हुसैन, कैन यू प्लीज टेल अस हाउ डिड यू लाइक आवर शो? So I really enjoyed the show. The show was fabulous. The contestants were full of charisma, confidence, and wonderful beauty. So I have to thank Dr. Neelam Paradia for this opportunity, for inviting me all the way from Singapore, and this is my second time here. So I have to thank Dr. Neelam Paradia for giving women this international platform to showcase all their talents, abilities, and to work on their self-confidence. Thank you so much, Dr. Neelam. She's been our esteemed international pageant jury. एंड उन्होंने हेल्प किया है हमें डिसाइड करने कि कौन विनर्स है. तो जो विनर्स सिलेक्ट हुए हैं इनके जूरी पैनल से मार्क्स लेके जीते हैं. तो साजमी हुसैन, वी आर वेरी थैंकफुल फॉर यू टू मेकिंग इट टुडे एंड यू हैव फ्लू ऑल द वे फ्रॉम सिंगापुर. शी इज़ बीन ऑल्सो आर क्वीन ऑफ सिंगापुर, रॉयल बेबी क्वीन ऑफ सिंगापुर. सो वी वुड लाइक टू अगेन थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच एंड आई होप टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एवरी ईयर. यस डेफिनेटली. थैंक यू. Namaste everyone, and I'm really so happy to be a part of this wonderful evening. And Dr. Neelam Paradia, who is a dentist by surgeon, she is really doing a wonderful job through this women empowerment. As we all know that women empowerment is like a something to where nowadays the government is promoting this number of things, like somewhere people are like that who is not able to speak them, who is not one of them who wants to think what I want, but they are not able to speak anything in front of people because nobody is going to consider them. But nowadays through women empowerment, people are just taking interest in all those things, right?
Thank you Jyoti for making it today. She had a very busy schedule, lot of shoots. So, but still she has removed time and come and raised the occasion. Thank you very much, Jyoti. Thank you so much Miss and Mrs. Royal Global Queen. बहुत आज खुश है क्योंकि हमारे वहाँ जो contestants 10 countries से participate किया है और इतने educated social reformer जो जिन्होंने बहुत कुछ already हासिल किया हुआ है वो आज UAE से इंडिया आके अपनी कंपटीशन में उन्होंने पार्ट लिया और ये बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने ये विन किया है. सो शी इज़ अवर क्वीन ऑफ UAE मिसी मैथ्यूज़. Thank you so much. I am super excited. Would you like to say something? I am super excited. Can you imagine the size of this crown? But more than that, it's the size of my heart. I am so happy and I'm so honored to have this crown, this moment. And I have to thank Dr. Neelam for it. Thank you. It's not just the 2 days event. It's the months of preparation, the months of hard work that each and every contestant put in. And it's the friendship that we have, the sisterhood, like we say, yes, right? Actually. And we're so excited about it. We've met new people, shared experiences, shared knowledge, enjoyed and had a wonderful time. So I really need to thank you, Mr. actually giving us this platform and giving women like us a platform to grow, to excel and to live our dreams. Yes. So thank you so much. Most welcome. And she's also got this Royal Global Achiever Award, which says for the social reforming work and animal welfare. So would you like to say something about that, ma'am? So it's about women empowerment and about animal welfare ambassadors. So I'm an ardent lover of the stray animals and I just want to educate and advocate and let people know how important it is to take care of those voiceless and be the voice by just simply adopting and not buying. Wow. By just being kind enough and just putting food out if you have to, just simple things like that, but just to be kind and generous, like how you're kind and generous to humans, they're also voiceless beings, and just to be kind and generous and to share that love and empathy. That's the real quality of a real queen. Thank you so much, Queen of UAE. She's Royal Global Queen of UAE 2024. Yes, thank you so much. I appreciate it. Thank you. Hello. It absolutely feels surreal today, and I can't thank the universe, the God, my two beautiful daughters, my family and friends for receiving this, and especially this platform, and Mrs. Neelam Paradia for all her inspiration and support, and all the crew and the crew co-contestants. Thank you all. Well, I just want to give a small message to everyone and all the beautiful queens or women out there. Believe in yourself, listen to your inner voice. There is nothing that you can't achieve. Just go for it. Fly high, dream big. There you are. You can do anything and everything if you are determined, disciplined in your life. Thank you so much. Thank you. I'm so thankful that you're from Kuwait. We have the Mrs. World winner, and she's truly deserves the crown because she's done a lot of efforts. I've been observing like for more than 3 months now, every Sunday grooming lesson she's been present, and she's been learning and updating. And being a dental surgeon, she's been sometimes busy, not able to attend our classes, online grooming, but then she removes time and talks to me on a personal level that, oh ma'am, what have I missed? So thank you so much for all your efforts, and you really deserve all this crown. And thank you so much. Yeah, thank you. Thank you. Yes. Hello. Namaste everyone. I am Mrs. Indira Mittal Saha, a proud winner of Miss and Mrs. Royal Global Queen 2024, first runner-up in the classic category, and also the most vivacious in the classic category. I am so happy and proud to be in this beauty pageant of an international level, organized by none other than our only Mrs. Neelam Paradia, and with the help of her beloved husband, Mr. Kalpesh Paradia. I really thank them from the bottom of my heart to let me walk on the ramp in this international level pageant. Thank you and namaste from India. Tell me about your experience. Yes, she is our cat coach.
So as a you are representing Malaysia as a K-pop coach, and you have been instrumental in coaching all our contestants. So what is your experience about the pageant? Did you like the pageant? What do you think about it, the management and the contestants and all of it? Alright. So thank you so much for the wonderful question. So Miss and Mrs. Royal Global Queen has been the wonderful event, and as the catwalk coach, I am actually trained the finalists for past, I think, almost 2 months, and this is the fourth class. In this fourth class, they have learned a lot from me, and they really did very, very well on the stage. And not forgetting about the management, especially Dr. Neela and also Mr. Kalpesh, they are really very, very supportive throughout this my entire journey here. And also about this event, they are really organized very, very well. Even though I am really, really, what I can say, the management, the behind the scene, the team was really worked very hard to organize this event. And it turned out very, very well. So I would like to take this moment to congratulate entire team to done such a wonderful, wonderful job. And again, thank you so much for having me, because from Malaysia, it has been a really long journey for me to reach here and train the beautiful models and finalists. But I made it with the support of the best team. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.